अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एशिया कप 2024 के शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया है। एशिया कप 2024 15 सितंबर से लेकर 29 सितंबर तक यूएई में खेला जाएगा। दोस्तों इस टूर्नामेंट में कुल मिलाकर 6 टीमों के दरमियान 3 वेन्यू पर टोटल 13 वनडे मैचेस खेले जाएंगे। दोस्तों एशिया कप 2024 के लिए टीमों को दो ग्रुपों में तकसीम किया गया है, जिसमें ग्रुप ए में पाकिस्तान, इंडिया और नेपाल की टीम को शामिल किया गया है, जबकि ग्रुप बी में श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान की टीम को शामिल किया गया है। दोस्तों एशिया कप 2024 मुकम्मल शेड्यूल की जानब बढ़ने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन कॉल पर क्लिक कर लें। दोस्तों शेड्यूल के मुताबिक एशिया कप 2024 का पहला मैच संडे 15 सितंबर को श्रीलंका और बांग्लादेश के दरमियान पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक दोपहर 1:30 पर, जबकि इंडियन टाइम के मुताबिक दोपहर 2 शारजा में खेला जाएगा। इसके बाद मंडे 16 सितंबर को एशिया कप का दूसरा मैच इंडिया और नेपाल के दरमियान पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक दोपहर 1:30 पर, जबकि इंडियन टाइम के मुताबिक दोपहर 2 दुबई में खेला जाएगा। ट्यूजडे 17 सितंबर को एशिया कप का तीसरा मैच अफगानिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक दोपहर 1:30 पर, जबकि इंडियन टाइम के मुताबिक दोपहर 2 शारजा में खेला जाएगा। इसके बाद वेनसडे 18 सितंबर को एशिया कप का चौथा बड़ा मैच इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक दोपहर 1:30 पर, जबकि इंडियन टाइम के मुताबिक दोपहर 2 दुबई में खेला जाएगा। इसके बाद थर्सडे 19 सितंबर को एशिया कप का पांचवा मैच अफगानिस्तान और श्रीलंका के दरमियान पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक दोपहर 1:30 पर, जबकि इंडियन टाइम के मुताबिक दोपहर 2 शारजा में खेला जाएगा। फ्राइडे 20 सितंबर को एशिया कप का छठा बड़ा मैच नेपाल और पाकिस्तान के दरमियान पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक दोपहर 1:30 पर, जबकि इंडियन टाइम के मुताबिक दोपहर 2 दुबई में खेला जाएगा। और इसके बाद संडे 22 सितंबर को सुपर फोर का पहला मैच ग्रुप ए की टीम 1 और ग्रुप बी की टीम 2 के दरमियान पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक दोपहर 1:30 पर, जबकि इंडियन टाइम के मुताबिक दोपहर 2 अबू धाबी में खेला जाएगा। मंडे 23 सितंबर को सुपर फोर का दूसरा मैच ग्रुप बी की 1 और ग्रुप बी की 2 टीमों के दरमियान पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक दोपहर 1:30 पर, जबकि इंडियन टाइम के मुताबिक दोपहर 2 अबू धाबी में खेला जाएगा। इसके बाद ट्यूजडे 24 सितंबर को सुपर फोर का तीसरा मैच ग्रुप ए की टीम 1 और ग्रुप ए की टीम 2 के दरमियान पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक दोपहर 1:30 पर, जबकि इंडियन टाइम के मुताबिक दोपहर 2 अबू धाबी में खेला जाएगा। वेनसडे 25 सितंबर को सुपर फोर का चौथा मैच ग्रुप ए की टीम 2 ग्रुप बी की टीम 1 के दरमियान पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक दोपहर 1:30 पर, जबकि इंडियन टाइम के मुताबिक दोपहर 2 अबू धाबी में खेला जाएगा। और इसके बाद थर्सडे 26 सितंबर को सुपर फोर का पांचवा मैच ग्रुप ए की टीम 1 और ग्रुप बी की टीम 1 के दरमियान पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक दोपहर 1:30 पर, जबकि इंडियन टाइम के मुताबिक दोपहर 2 अबू धाबी में खेला जाएगा। फ्राइडे 27 सितंबर को सुपर फोर का छठा मैच ग्रुप ए की टीम 2 और ग्रुप बी की टीम 2 के दरमियान पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक दोपहर 1:30 पर, जबकि इंडियन टाइम के मुताबिक दोपहर 2 अबू धाबी में खेला जाएगा। संडे 29 सितंबर को एशिया कप 2024 का फाइनल मैच पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक दोपहर 1:30 पर, जबकि इंडियन टाइम के मुताबिक दोपहर 2 अबू धाबी में खेला जाएगा। दोस्तों इस बार एशिया कप 2024 का टाइटल कौन सी टीम अपने नाम करने में कामयाब होगी, आप अपनी राय कमेंट्स में बताएं। और हमारे YouTube चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन कॉल पर क्लिक करते हैं, ताकि क्रिकेट की लम्बा बालम अपडेट आप तक पहुंचते रहे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।